वेलकम भाई, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेज के बारे में, ठीक है। मेज, चूँकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने सीरियल्स के दो प्लांट का डिस्क्रिप्शन कर दिया है, यानी व्हीट का और राइस का, ठीक है। सीरियल लीडिंग प्लांट चल रहा है, जिसमें से मेजर सीरियल लीडिंग प्लांट के बारे में डिस्कशन हो रहा है। आगे चल के माइनर के बारे में डिस्कशन हम करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बात करेंगे मेज के बारे में। मेज का बॉटनिकल नेम क्या होता है? पहले, सबसे पहला काम है आपको इकोनॉमिक बॉटनी में किसी भी प्लांट का अगर आप आ जाता है तो सबसे पहले उसका बॉटनिकल नेम लिखेंगे, यानी वनस्पतिक नाम लिखेंगे, ठीक है। देन उसकी फैमिली और उसका कॉमन नेम, किस भाषा में उसको पुकारा जा सकता है आसपास के एरियाज में या अपने गाँव में, उसको आप लिख सकते हैं। जैसे बॉटनिकल नेम हो जाएगा इसमें जिया मेज, ठीक। वहीं इसकी फैमिली हो जाएगी पोएसी। हमने बताया किसी भी सीरियल की अगर बात की जाए, चाहे मेजर हो चाहे माइनर हो, ठीक है, वो उसकी फैमिली सिर्फ और सिर्फ ग्रैमी यानी पोएसी ही होगी, ठीक है। तो फैमिली आपको बार बार रखने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको ध्यान देना है बॉटनिकल नेम और नेटिव पर, ठीक। अब वर्नाकुलर नेम, कॉमन भाषा में इसको क्या क्या कहा जा सकता है। मक्का के नाम से भी जानते हैं, भुट्टा के नाम से जानते हैं, आर हटा दीजिएगा यहाँ पे, गलत हो गया है, डबल टी ए, बी एच यू डबल टी ए हो जाएगा भुट्टा में, ठीक है, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। मकई, मकई भी कहते हैं, या फिर इसको कॉर्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्न, ठीक है। अब कॉर्न का क्या मतलब है? मकई का ही अंग्रेजी है कॉर्न, ठीक है, मेज भी है। आगे बात करेंगे ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। आइए देखते हैं नेटिव क्या है इसका। नेटिव हो जाएगा सेंट्रल अमेरिका हो जाएगा इसका नेटिव, यानी मेज का नेटिव क्या हो जाएगा? सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। मेज इज इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड, विश्व भर में जितने भी क्रॉप्स हैं उनमें से ये भी टॉप पर है, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है इन इंडिया। अब अपने भारत की बात करें तो यूपी में 6.1% का उत्पादन होता है, बिहार में 8.9% का उत्पादन होता है, पंजाब में, राजस्थान में 9.9% का होता है, हिमाचल प्रदेश का 4.4% का होता है, महाराष्ट्र में 9.1% का होता है, कर्नाटका में 16.5% कर्नाटका में होता है, ठीक है, एमपी में 5.7% होता है, और आंध्र प्रदेश में 20.9% का लगभग मेज का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि ये वो सभी स्टेट हैं जहां पर मेज का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, यानी कल्टीवेशन किया जाता है। अब आगे बात करते हैं इसी में कल्टीवेशन की, ठीक। कल्टीवेशन, इट्स रूट सिस्टम इज जनरली शैलो, इसकी रूट सिस्टम जो होती है जनरली कैसी होती है? शैलो, सो द प्लांट इज डिपेंडेंट ऑन द सॉइल मॉइस्चर्स। जनरली इसके रूट के लिए यानी इस प्लांट के लिए मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है, यानी पानी की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, कल्टीवेशन में इसको वाटर ज़रूरत पड़ेगी। मेज कैन बी ग्रोन सक्सेसफुली इन वेराइटी ऑफ सॉइल्स, कई टाइप की सॉइल्स में ये ग्रो किया जा सकता है, आसानी से इसको ग्रो कराया जा सकता है, रेंजिंग फ्राम लोयमी सैंड टू क्ले लोयम, लोयमी सैंड टू क्ले लोयम सॉइल होनी चाहिए, ठीक है, यानी चिकनी मिट्टी से क्या होना चाहिए, कुछ बलुई टाइप की भी हो सकती है, मिक्स उसमें हो सकता है, जनरली लोयम सॉइल होनी चाहिए, यानी चिकनी मिट्टी ही इसको ज़रूरत पड़ती है, ओके। तो ये था कल्टीवेशन। अब इम्पॉर्टेंट थिंग की बात करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है यूजेज जानना, ठीक है। किसी भी प्लांट का इकोनॉमिक बॉटनी में यूजेज सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, सो नंबर वन पे है इसमें, पहला पॉइंट है देखते हैं, द मेज इज कल्टिवेटेड थ्रू आउट द ईयर इन ऑल स्टेट ऑफ द कंट्री फॉर वेरियस पर्पज इंक्लूडिंग, देश में क्या हो सकता है, हर स्टेट में, ठीक है, हर सीजन में कह सकते हैं आप, यानी पूरे वर्ष भर कल्टिवेटेड किया जा सकता है, जहाँ का जिस प्रकार से मौसम होगा उस हिसाब से इसका कल्टिवेशन किया जाता है, ठीक है। अब किस लिए, किस पर्पज के लिए ज़्यादातर इसका हम कल्टिवेशन किया जाता है, करते हैं, ग्रेन्स में, ग्रेन्स के लिए यानी अनाज के रूप में, अनाज खाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, फूडर, जानवरों के लिए भी कुछ स्टेट में लगाया जाता है, जनरली
कुछ लोग ऐसे ही इसकी खेती कर देते हैं, कल्टीवेशन कर देते हैं ताकि जानवरों के लिए यूज कर सकें फूडर के रूप में। ग्रीन कॉप्स, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न काफ़ी फेमस है। पॉपकॉर्न इसी का नाम है, इंग्लिश नेम है। जब भुट्टे को भून दिया जाता है तो इस तरीके से कुछ दिखाई देगा आपको, ठीक है। बहुत फेमस है, लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है इसको नमक के साथ खाने में, ठीक है। तो इसका नाम पॉपकॉर्न हो जाता है, यानी कॉर्न फूटने के बाद, भूनने के बाद क्या हो जाता है, पॉप नाम दे दिया जाए, पॉपकॉर्न हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। ऑयल इज यूज फॉर सॉप मेकिंग, इसके से जो ऑयल ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है, फैक्ट्रीज में ऑयल ऑब्टेन किया जाता है, सो इसके ऑयल से सॉप बनाया जाता है, साबुन वगैरह बनाया जाता है, शैम्पू साबुन ये सब बनाए जाते हैं। अगले पॉइंट में है, कॉर्न कंटेन्स मोर डाइटरी फाइबर विच हैज ए बोथ सूटेबल सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फाइबर, यानी ये दोनों तरह के फाइबर्स रखता है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों टाइप के रखता है, ठीक है। दिस सॉल्युबल फाइबर, अब जो सॉल्युबल है उसकी बात कर रहा है, दिस सॉल्युबल फाइबर हेल्प टू ब्लॉकिंग द कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन बाय कन्वर्टेड इनटू जेल, जेल में कन्वर्ट कर देता है किसको, कोलेस्ट्रॉल को, यानी कितना फायदेमंद है ये सीड इसके, यानी कॉर्न कितना इंपॉर्टेंट है, ये आप इस पॉइंट दोनों पॉइंट से अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, एनीमिया इज द डिजीज काज बाय द डिफिशेंसी ऑफ विटामिन 12, विटामिन B12 की कमी से एनीमिया नामक डिजीज हो जाती है, ठीक है। और उससे छुटकारा पाया जा सकता है किससे, कॉर्न के ज़्यादा से ज़्यादा खाने से, कॉर्न वगैरह आप खाएंगे तो इसकी वजह से एनीमिया डिजीज भी क्या हो जाती है, ख़त्म होती है, क्योंकि इसमें फोलिक एसिड पाया जाता है, क्या पाया जाता है, फोलिक एसिड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इट इज़ द वेरी एसेंशियल मिनरल रिक्वायर्ड टू फॉर्म द न्यू ब्लड सेल्स, और देखिए कितना बड़ा यूज है इसका, बहुत ही ज़्यादा, न्यू ब्लड सेल्स बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है कॉर्न सीड, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, कॉर्न कंटेन रिच एंटीऑक्सीडेंट, भारी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है इसमें। इट कैन फाइट एंड एलिमिनेट द कैंसर कॉजिंग फ्री रेडिकल्स, ठीक है, कैंसर को कम करने के लिए भी कॉर्न का इस्तेमाल किया जाता है, कॉर्न खाया जाता है और ढेर सारी इससे मेडिसिन भी बनाई जाती हैं। इट आल्सो फाइटिंग काज ट्यूमर्स इन लीवर एंड ब्रेन, लीवर ट्यूमर्स के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है, कॉर्न का। इट कैन बी यूज टू अप्लाइड फॉर द इरिटेशन एंड स्किन रिसेस, स्किन रिसेस के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है, यानी इससे बहुत सारी बीमारियां हैं जो खत्म की जा सकती हैं धीरे धीरे, इसलिए इसका यूज करना बहुत ज़रूरी है। आप सब भी इसका इस्तेमाल कीजिए, खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए इसके फ्लोर को खाने का, क्योंकि बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।